नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डियर एट एग्जाम 2020। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 11 अप्रैल 2020 की। हम बड़ी अपडेट्स देखने वाले हैं और सबसे पहले बात करेंगे टुडे ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, आपका पेपर कब होगा, मई या जून? काफी बच्चों के सवाल आ रहे हैं तो उस पर डिस्कशन होगा। लेकिन दोस्तों इस समय की एक बड़ी अपडेट आ रही न्यू दिल्ली से। ये इसका दोस्तों खबर का सोर्स है सोशल मीडिया। शिक्षकों को देश भर में कोरोना युद्ध में लगाने की है तैयारी। देखे यह न्यूज पेपर की खबर। तो दोस्तों अभी हम इस न्यूज पेपर की खबर को देखते हैं कि छुट्टी के समय शिक्षकों को देश भर में कोरोना युद्ध में लगने की मतलब लगाने की तैयारी हो रही है। तो ये दोस्तों न्यूज सोर्सेस का न्यू दिल्ली। तो इस सारी अपडेट्स को हम देखेंगे। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे आपका प्रथम और तृतीय सेमेस्टर एग्जाम डेट को लेकर। और देखिए बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत प्रदेश भर के विशेष शिक्षकों को वेतन देने के निर्देश हो चुके हैं। और दोस्तों आज की पीएनपी अपडेट्स को भी देखेंगे कि अभी 11 अप्रैल तक फिलहाल क्या अपडेट से आपके पेपर कब तक होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी करिएगा, ताकि दोस्तों उन तक भी 11 अप्रैल 2020 तक की सारी अपडेट पहुंच जाए। जी हाँ, काफी काफी बार दोस्तों ऐसा देखने को मिलता है ना कि आप लोगों तक जो अपडेट्स होती है वो थोड़ी देर से पहुंचती है, जिससे आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार आखिर सच्चाई क्या है, और आप लोग काफी फेक न्यूज के भी शिकार होते हैं। तो सही से अपडेट्स हम देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये अपडेट्स को हम देखेंगे, प्रदेश भर के विशेष शिक्षकों को वेतन देने के निर्देश हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, पूरी अपडेट्स क्या है कि प्रदेश के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों को शिक्षा देने वाले विशेष शिक्षकों को तत्काल भुगतान का आदेश जारी किया गया है। आपको अपने हिंदुस्तान अखबार ने 7 अप्रैल के अंक के विशेष में शिक्षकों की परेशानी को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इसके बाद महानिदेशक बेसिक शिक्षा विजय किरण आनंद ने शिक्षकों को तत्काल भुगतान किए जाने के निर्देश दिए हैं। जिले के 1800 से अधिक प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में करीब 24 विशेष शिक्षक कार्यरत हैं, जो प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले, ठीक है दोस्तों, मूक बधिर व दिव्यांग बच्चों को शिक्षा देते हैं। तो फिलहाल दोस्तों ये अपडेट है कि इनको तत्काल वेतन दिया जाएगा। अच्छी खबर है ये आज की। और इस समय सबसे बड़ी दोस्तों चौंकाने वाली खबर आपके लिए अब आ चुकी है कि भारत में कोरोना के दोस्तों 7,500 मामले पार हो चुके हैं। लॉकडाउन बढ़ने की पूरी संभावना बन चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जितनी स्पीड से अब कोरोना के केसेस हमारे देश में फैल रहे हैं, तो फिलहाल दोस्तों हमारा जो लॉकडाउन है वो 14 अप्रैल को समाप्त तो होने वाला है। उसके बाद एक और अपडेट देखिए, कुछ राज्य दोस्तों लॉकडाउन की जो समय सीमा है उसको बढ़ाकर 30 अप्रैल कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों अभी उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई भी खबर नहीं है कि लॉकडाउन यहाँ पर बढ़ेगा। लेकिन हाँ, उसके बाद दोस्तों देखने वाली बात होगी कि आखिर मोदी सरकार क्या फैसला लेती है। जो फैसला मोदी सरकार का होगा वही अंतिम फैसला समझा जाएगा। और सबसे बड़ी अपडेट यह है कि सुपर पावर पर कोरोना का कहर, यूएस में एक दिन में 2000 से अधिक लोगों की मौत। जी हाँ दोस्तों, ये चौंकाने वाली खबर है क्योंकि सुपर पावर देश, देखिए यहाँ पर दिक्कतें क्या हुई ना, सुपर पावर खाली नाम के लिए होता है। जब दोस्तों कोई ऐसी बीमारी आती है जिसका कोई इलाज नहीं या जिसको हम कहें ना इलाज है, तो वहां पर देखिए दिक्कतें किसी भी देश को हो सकती है। और देखिए विदेश भागने के लिए 8 जमातियों ने बुक कराया था चार्टर्ड विमान, ये एक और अपडेट। फिर देखिए विश्व में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 1 लाख पार पहुंच चुकी है। तो सारी अपडेट्स को दोस्तों हम देखते हैं। पहले इस समय जो सबसे बड़ी अपडेट है, चलिए पूरी दुनिया के अपडेट्स हम आपको दिखाते हैं कि अब तक दोस्तों पूरी दुनिया में 16,98,000 केसेस रजिस्टर्ड हो चुके हैं, मतलब कोरोना पॉजिटिव केसेस आ चुके हैं, लगभग 17 लाख के करीब है। और 94,000 केसेस दोस्तों पिछले 24 घंटे में 94,000 केसेस मिले हैं। और आपको बता दें अब तक मरने वालों की तादाद 1,02,684 हो चुकी है, मतलब इतने लोगों ने कोरोना वायरस के सामने दम तोड़ दिया। और दोस्तों पिछले 24 घंटे के अंदर 6,971 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और अब तक दोस्तों अमेरिका में कोरोना वायरस का जो आंकड़ा है वो 5 लाख से अधिक लोगों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। और दोस्तों अब तक अमेरिका में मरने वालों की तादाद 18,000 के पार हो चुकी है। और देखिए अब तक जितने लोगों की रिकवरी हुई है वो 27,000 है। तो ये काफी दोस्तों चौंकाने वाली अपडेट है आपके सामने, ठीक है ना। भले केसेस हम देख रहे होंगे 5 लाख हैं, लेकिन दोस्तों आपको ये बात समझना है कि 18 लोग मर रहे हैं तो 27 लोग बच रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ आपका ऐसा रेशियो या 2 से 9 से भाग करें, 9 दुनिया 18, 9 त्रिक 27, 2:3 का रेशियो चल रहा है। ये यूएसए की रिपोर्ट है, तो काफी चौंकाने वाली खबर है यूएसए से। उसके बाद स्पेन में ये मामला 1,58,000 के पार हो गया, इटली में 1,47,000, फ्रांस में 1,24,000, जर्मनी में 1,22,000। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप कुछ चीज ध्यान से देखें तो एक तरह से इटली ने दोस्तों काफी हद तक इस पर लगाम लगा रखी है, क्योंकि जिस तेजी से मामले बढ़ रहे थे इटली में दोस्तों काफी इसमें गिरावट आई है। और अब तक इटली में मरने वालों की तादाद 18,849 है, और वही दोस्तों यूएसए में 18,747, मतलब
जिस हिसाब से आंकड़े बढ़ रहे हैं तो मतलब अगले 24 घंटे में जो अगली हमारी वीडियोस आएगी उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि अमेरिका में मरने वालों की तादाद सबसे अधिक हो सकती है दुनिया भर में। क्योंकि नंबर वन पर दोस्त अभी तक आपका इटली चल रहा था, अब दोस्त हो सकता है ये अमेरिका आ जाए। ठीक है, यहाँ पर कोई हमें रैंकिंग नहीं बनानी है, लेकिन फिर भी दोस्तों मरने वालों की तादाद काफी तेजी से बढ़ रही है। और सबसे चौंकाने वाली खबर तो हम यूके की देखते हैं कि अब तक दोस्तों यहाँ पर 8,900 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई है, लेकिन रिकवर जो हुए हैं दोस्तों वो चौंकाने वाले, सिर्फ 344 लोग अभी तक कोरोना वायरस से बच पाए, सही हो पाए, और मरने वाले इतने ज्यादा है और एक्टिव केसेस ये चल रहे हैं। अब पूरी दुनिया में पहले हम आपको बता दें सीरियस और क्रिटिकल केसेस 49,831 है, मतलब साफ है दोस्तों कि जो सीरियस होते हैं उनका बचने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर होती है। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या क्या होगा, और हो सकता है दोस्तों अगले कुछ ही घंटों में भारत सरकार एक बड़ा फैसला ले सकती है कोरोना वायरस को लेकर। और इंडिया के दोस्तों हम अपडेट्स आपको दे दें, इंडिया में दोस्तों अब तक 7,600 कोरोना के केसेस पाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में दोस्तों 800 से अधिक केसेस आए, और अब तक भारत में मरने वालों की तादाद 249 पहुंच चुकी है, और पिछले 24 घंटों में 22 लोगों की जान और गई है। और देखिए हमारे देश में अब तक कोरोना वायरस से 774 लोगों ने अपनी जान बचाई है। देखिए हमारे देश की रिकवरी काफी अच्छी है अन्य देशों के मुकाबले, मतलब उतनी भी अच्छी नहीं, लेकिन हाँ ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की भी अपडेट्स आपको देते रहे, मतलब 4,695 लोग अब तक यहाँ पर कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं कोरोना वायरस से। अब तक यहाँ पर टोटल मरने वालों की तादाद 66 है, और पिछले 24 घंटे में 1 लोगों ने वहां पर अपनी जान गंवाई। अब उत्तर प्रदेश की कुछ और बड़ी अपडेट्स को हम देखते हैं, यूपी में रहते तो उत्तर प्रदेश की सारी खबरें आपके पास होनी ही चाहिए। उत्तर प्रदेश के 21 जिलों में सिर्फ जमाती है कोरोना वायरस के मरीज। जी हाँ दोस्तों, 21 ऐसे जिले हैं, देखिए जो लॉकडाउन अगर हमारा खत्म भी होगा ना, तो एक बात अगर आपको ध्यान में रखनी है, जहां पर कोरोना का संक्रमण होगा हो सकता है वहां पर लॉकडाउन को समाप्त ना किया जाए। जी हाँ दोस्तों, एक लंबे समय तक लॉकडाउन खींच सकता है। तो फिलहाल अगर आपके जिले में कोई भी जमाती छिपे हुए हैं आप उनको बाहर निकालिए, नहीं तो दोस्तों ये आंकड़ा आप जो देख रहे हैं ना अमेरिका का, ये दोस्तों बस सिंपल सी बात है, कभी भी आंकड़ा बदल जाएगा। अगर आपके परिवार में एक भी इंसान को कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ, पूरा परिवार आपका कोरोना के चपेट में होगा। आपकी जान तभी बच पाएगी जब आप सही समय पर उसका इलाज लेंगे, इलाज नहीं लेते दोस्तों फिर डेफिनेटली है कि आप कोरोना से जीत नहीं सकते। जी हाँ, आपको सही समय पर उसकी सही इलाज की जरूरत पड़ेगी। तो फिलहाल आप कोशिश करिए, अगर आपको लगता है कि आपको कोरोना वायरस हो सकता है, आपके घर में कोई बाहर से आया है, एक बार जांच कराना जरूरी है। फिर दोस्तों यूपी खबर, कोरोना के चलते कटौती, अधिकारी अब विमान की जगह बस व ट्रेन से चलेंगे। चलिए अच्छी खबर है। COVID-19 यूपी में एक दिन में कराते हैं 1500 लोग कोरोना वायरस की जांच। तो ये दोस्तों काफी कम अभी आंकड़ा है, जो हमारे देश की आबादी 20 करोड़ से अधिक है और हमारे यहाँ से 1500 जांच हो रही है एक दिन में, ये काफी कम है। फिर अवैध बालू खनन कर ले जा रहे ट्रैक्टर को रोकने में सिपाही की गई जान, ये काफी दुखद खबर है। फिलहाल देखिए इस समय कुछ भी काम नहीं चलना चाहिए, लेकिन जानते ना यूपी वाले मानते हैं नहीं, इसीलिए दोस्तों जब कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल जाएगा ना, फिर इसको कोई रोक नहीं सकता। अगर भारत सरकार ने सही में रहते मतलब लॉकडाउन ना किया होता सही समय पर, तो अब तक अपने देश में जो ये आंकड़ा देख रहे हैं ना, तो अमेरिका से पीछे हम ना होते, उससे आगे निकल चुके होते। कोरोना वायरस यूपी में दोस्तों 200 जमाती गायब हो गए, 300 मोबाइल भी ऑफ चल रहे हैं। अब बताइए अभी 200 जमाती कहाँ गायब है, किसी को कुछ भी पता नहीं। ये दोस्तों काफी चौंकाने वाली खबर भी है कि मतलब ऐसे ये छुपेंगे तो दोस्तों नुकसान ये आपके साथ साथ सबके आए, कि मतलब कि जहां पर भी होंगे जिसके भी संपर्क में आएंगे तो उसको कोरोना वायरस हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर ये सब्जी वाले से मिल गए तो सब्जी वाले को कोरोना वायरस हो सकता है, उतना सब्जी खरीदने चले गए। मेडिकल स्टोर पर गए तो मेडिकल वाले को कोरोना वायरस हो सकता है, ये अगर बैंक में चले गए तो बैंक वाले को कोरोना वायरस हो सकता है। देखिए सैनिटाइजेशन होता रहता है, लेकिन फिर भी ये गलत बात है, इनको बचना सामने आना चाहिए। उसके बाद भदोही भी पहुंचा कोरोना का संक्रमण, क्वारंटाइन सेंटर का युवक निकला पॉजिटिव। अब ये देखिए आप लोग जरा इस बात को थोड़ा सा सीरियस लीजिएगा, आप लोग देख रहे होंगे जैसा कि दोस्तों गांव में क्वारंटाइन सेंटर बनाए जा रहे हैं, तो लोग वहां पर इस बात को उतना सीरियसली लेते नहीं है, सोचते हैं नहीं हमें तो कोरोना वायरस हो नहीं सकता, हम ऐसे कहीं से आए नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर किसी ने अगर यहाँ पर सीरियसली नहीं लिया होगा ना, तो जितने लोग उनके संपर्क में रहे होंगे सबको कोरोना का संक्रमण हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्वारंटाइन सेंटर का मतलब यही है कि आप संदिग्ध के घेरे में, तो आपको इस बात का जरा ध्यान देना पड़ेगा और अच्छे से मान के चलना पड़ेगा। देखिए आपको हर दूसरे व्यक्ति को शक के नजरिए से देखना पड़ेगा और ये मान के चलना पड़ेगा इसको कोरोना वायरस है, तभी दोस्तों आप सही से अपनी सुरक्षा कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपकी एक गलती और आपको कोरोना का संक्रमण हो चुका, ये मान के चलेंगे। उसके बाद देखिए एक और अपडेट्स आती है जो काफी चौंकाने वाली होगी, क्वारंटाइन सेंटर पर दलित महिला प्रधान के हाथों पका खाना खाने से इनकार।
ठीक है ना। तो ये सब दोस्तों अपडेट्स हैं। उसके बाद यूपी और उत्तराखंड के 12 जिलों में रुके हैं पीलीभीत के 22 लोग। यूपी में कोरोना के 21 नए मरीज मिले, 431 पर पहुंची 40 जिलों में कोविड-19 मरीजों की संख्या। सीएम बोले धन्यवाद गोरखपुर, अब तक नहीं तो आगे भी नया दे कोरोना संक्रमित। तो चलिए दोस्तों अच्छी खबर है वहां पर। तो ये रही दोस्तों हमारे देश दुनिया भर की खबरें कोरोना वायरस को लेकर। और एक और अपडेट है कोरोना वायरस को लेकर, पुलिस के लिए खरीदी जाएंगी पीपीई किट, यूपी सरकार ने जारी किए 47 करोड़ रुपए। अच्छी बात है, सबसे पहले पुलिस को दोस्तों प्रोटेक्शन यहाँ देना चाहिए। आप देख रहे होंगे काफी कि वो लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, तो उनको भी दोस्तों कोरोना का संक्रमण हो सकता है। क्योंकि दोस्तों हमारे उत्तर प्रदेश में फिलहाल पुलिस ने काफी अच्छी कोशिश की है। देखिए इस समय आप हो चाहे हम हो, अगर हमें ये पता चल जाएगा कि सामने वालों को कोरोना का संक्रमण है, तो मान के चलिए आप दोस्तों 1 किलोमीटर उनसे दूर भागने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ही जाता है, लेकिन पुलिस काफी अच्छा प्रयास कर रही है, जिसके चलते दोस्तों हमारे उत्तर प्रदेश में फिलहाल कोरोना का संक्रमण उतना नहीं फैला जितना ये फैल सकता था। कुछ लोगों के चक्कर में, जैसे जमाती हम कह सकते हैं सीधे तौर पर, अगर वो ना आते यूपी में तो मामला यहाँ पर बिल्कुल कंट्रोल में था। उसके बाद दोस्तों देखिए यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने हर जिले में कोरोना जांच के दिए हैं निर्देश। ये अच्छी खबर है। देखिए जितनी ज्यादा यहाँ पर जांच कराई जाएगी देश भर में, उतना ही दोस्तों हमें स्पष्ट होगा कि कितने को कोरोना है और कितने को नहीं। क्योंकि दोस्तों 14 दिन का लगभग समय लग जाता है, उसके बाद ही पता चलता है कि किसी को कोरोना वायरस का संक्रमण है या नहीं। जब इतना लंबा समय लगता है तो उस बीच में कितने लोगों को कोरोना वायरस का संक्रमण हो चुका होगा, आप इसका एक अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे। लॉकडाउन, दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को वेतन दिलाने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अयोध्या, रामलला के गर्भगृह से अस्थायी टेंट हटाने का काम शुरू कर दिया गया। तो दोस्तों ये सब सारी खबरें। और एक अपडेट ये आई थी कि छुट्टी के समय शिक्षकों को देश भर में कोरोना युद्ध में लगाने की तैयारी होगी। अपडेट्स को देखते हैं कि देश भर में स्कूल कॉलेजों को मंत्री समूह ने 15 मई तक बंद रखने की अनुशंसा की। आप लोग को जैसा पता है सरकार की ओर से, हालांकि आधिकारिक रूप से इस पर मुहर लगानी बाकी है, लेकिन अगर यह छुट्टी दी जाती है तो स्कूल और कॉलेज के अध्यापकों को सरकार कोरोना युद्ध में तैनात करने पर विचार कर रही है। तो दोस्तों इस खबर का जो सोर्स है वो सोशल मीडिया है। काफी बार दोस्तों खबरें फेक होती हैं, लेकिन उम्मीद करेंगे न्यूज़पेपर की अपडेट से ये सही होगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों फाइनल डिसीजन हम लोग का डिस्कशन इस वीडियो का, मतलब कि आपका पेपर कब हो सकता है, मई या जून। पहला दोस्तों अप्रैल में आपके पेपर संभावना की लगभग सारी उम्मीदें खत्म, ठीक है ना। अब आपका पेपर अप्रैल में फिलहाल लगभग लगभग किसी भी कीमत पर नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ आधिकारिक तो नहीं है, लेकिन अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्योंकि काफी राज्यों ने 30 अप्रैल तक लॉकडाउन की समय सीमा बढ़ा दी है, और इस समय में दोस्तों पेपर या स्कूल कॉलेज खोलना लगभग लगभग संभव नहीं है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का हमें फॉलो करना पड़ेगा, और कॉलेज स्कूल में आपको पता है बच्चे पास पास बैठते हैं, तो वहां पर ये करा पाना लगभग इस समय तो इम्पॉसिबल है। आने वाले समय में अगर स्थिति गंभीर होती है या लगता है दोस्तों कोरोना वायरस का संक्रमण खत्म ही नहीं होगा देश से, तो सरकार इस पर कुछ और विचार कर सकती है। जैसे दोस्तों हम देख रहे हैं यूएसए में, जी हाँ दोस्तों काफी चौंकाने वाली खबरें हैं। जिस हिसाब से दोस्तों वहां पर लोग मर रहे हैं, अगर दोस्तों इसको हम पूरा 5 लाख से कैलकुलेट कर दे तो ये इनके जो मौत का आंकड़ा होगा दोस्तों काफी ज्यादा बढ़ सकता है, मतलब करीब करीब 1 लाख से अधिक लोगों की जान जा सकती है सिर्फ अमेरिका में। जी हाँ दोस्तों जितनी रफ्तार से यहाँ पर आप देख रहे होंगे रोज पर रोज दोस्तों 2-2 हजार लोग का मरना, मतलब ये बहुत ही बड़ी बात होती है किसी भी देश के लिए, और वो भी सुपर पावर देश जहां पर दोस्तों किसी भी चीज की हमें नहीं लगता कमी होगी आज की डेट में, तो भी वहां पर ऐसा हो रहा है। क्योंकि वही बात होती है ना, हम किसी चीज को लाइकली लेते हैं, जब सीरियसली नहीं लेते हैं, लगता नहीं यार कोरोना वोरोना कुछ होता है नहीं। गांव में तो कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, लेकिन उनको फिलहाल बच के रहना है, अगर आप बच के नहीं रहेंगे तो आपके लिए ये मुश्किल की घड़ी हो सकती है। फिलहाल आपका जो पेपर है वो मई या जून, देखिए जिस हिसाब से कंडीशन चल रही है देश भर में, तो आपको लगता है ऐसा ही है दोस्तों कि आपका पेपर मई या जून नहीं जुलाई में भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों इसका रीजन ये है ना कि पहले जो हमारा लॉकडाउन खोला जाएगा वो बेसिक लेवल पर खोला जाएगा, मतलब डायरेक्ट ऐसा नहीं खोल दिया जाएगा कि पूरे देश में चलिए रातों रात फैसला आ जाता है कल सुबह से सब फ्री आजाद हो गए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कुछ स्टेप स्टेजेस में दोस्तों खोला जाएगा लॉकडाउन, और हमें लगता है कि जो हमारा अंतिम स्टेज होगा, जो मतलब होता है कि सबसे बाद में जिसको खोलने की अपील आएगी, वो होगा हमारा स्कूल और कॉलेज। क्योंकि दोस्तों अगर स्कूल कॉलेजेस कुछ दिन बंद रहते हैं तो उतना नुकसान नहीं होगा जितना नुकसान दोस्तों जो व्यक्ति वर्कर्स हैं लेबर्स हैं नौकरी करते हैं, अगर उनको 1 महीना, देखिए कल हमने आपको अपडेट दिया था कि अगर दोस्तों अप्रैल भर पूरा लॉकडाउन लग जाता 30 अप्रैल तक, तो ये मान के चलिए दोस्तों 83% ऐसी कंपनियां हो जाएंगी दोस्तों जो अपने वर्कर्स को सैलरी नहीं दे पाएंगी। जी हाँ दोस्तों आप काफी जगह देखते होंगे आज पैसा कमाते हैं कल सैलरी आती है, मतलब हर महीने का काम उसी हिसाब से सैलरी,
जब पूरे अप्रैल में एक भी दिन काम नहीं होगा, मार्च की तो उन्होंने किसी न किसी तरह दे दी सैलरी, लेकिन अप्रैल में काफी दिक्कतें आ सकती हैं। तो आप सरकार को इस पर विचार करना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये काफी गंभीर समस्या होगी अगर पूरे अप्रैल में लॉकडाउन करती है। क्योंकि देखिए, हमारा देश 130 करोड़ आबादी वाला देश है, हम कोई छोटी जनसंख्या वाले देश नहीं कि दो सब घर बैठे खा कमा सकते हैं, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार का अगला स्टेप क्या होगा। और ये देखिए, 14 अप्रैल को लॉकडाउन समाप्त अगर हो जाता है तो मतलब साफ है दोस्तों, उसके बाद 15 अप्रैल से छोटी छोटी चीजें शुरू की जाएंगे कुछ स्टेप्स में। जैसे हमने बोला, कुछ स्टेजेस बनाए जाएंगे दोस्तों। हो सकता है पहले जो जहां रहते हो, जैसे आप जिस जिले में रहते हो उसको पूरा सील करके आप अपने जिले में कोई भी नौकरी कर सकते हैं। ऐसा किया जा सकता है कि मतलब अपने घर पर आप रहे, वर्क फ्रॉम होम जैसे चल रहा है, ठीक है ना, तो आप अपने घर से काम कर सकते हैं। ऐसे कुछ स्टेप्स में दोस्तों हो सकता है धीरे धीरे इसको आगे प्रोसेस किया जाए। लेकिन फिलहाल अगर आप ये सोचिए कि लगातार पूरे देश में 2 महीने 3 महीने का लॉकडाउन हो पाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। अब लेकिन ये आंकड़ा अगर कोरोना वायरस का ऐसे बढ़ता रहा फैलता रहा तो ये स्टेप उठाना तो पड़ेगा ही सरकार को, लेकिन ये काफी गंभीर बात होगी, फिर इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों पीएनपी अपडेट्स में अभी देखिए, परीक्षा नियामक प्राधिकारी को दोस्तों अभी तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है, नोटिस नहीं जारी हुआ, जिसके अकॉर्डिंग दोस्तों ये कहा जा सके कि हमारा पेपर कब से होगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों उम्मीद कर सकते हैं कि अगर सब कुछ सही रहा, ठीक है ना, देखिए जुलाई में पेपर आपका तब हो सकता है जिस हिसाब से कंडीशन चल रही है पूरी दुनिया में कि भाई कोरोना का कोई संक्रमण खत्म ही नहीं हो रहा, तो पेपर और लेट, देखिए लेट पर लेट हो सकता है। हमने आपको पहले भी बताया था कोरोना का मतलब आपका पेपर डीएलएड का तभी हो पाएगा जब दोस्तों कोरोना वायरस का संक्रमण खत्म होगा। अब ये बात किसी को नहीं पता कि कब खत्म होगा, ठीक है, आपको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता, तो वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। अगर सब कुछ सही रहा तो दोस्तों आपका पेपर मई में भी हो सकता है, क्योंकि अभी सिर्फ 15 मई तक स्कूल कॉलेज बंद करने की सिफारिश की गई है। जी हाँ दोस्तों, 15 मई तक, 15 मई के बाद आपके स्कूल और कॉलेजेस खोले जाएंगे, उसके बाद हो सकता है कुछ डिसीजन लिया जाए, मतलब डायरेक्ट नहीं खोला जाएगा। आपको पता है जब लॉकडाउन नहीं हटा पा रही सरकार तो स्कूल कॉलेज खोलना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, तो पहले लॉकडाउन पर दोस्तों विचार किया जाएगा, उसके बाद स्कूल कॉलेजेस पर चर्चा होगी, ठीक है ना। तो फिलहाल पेपर आपका मई जून या जुलाई, ठीक है, जुलाई के लिए भी दोस्तों आप तैयार रहिएगा अगर जुलाई में पेपर होता है, क्योंकि कंफर्म नहीं है कि मई में ही हो जाए पेपर, क्योंकि जितनी तेजी से मामले दुनिया भर में बढ़ रहे हैं तो मतलब ये होगा ना कि बहुत ही बड़ा रिस्क हो जाएगा पेपर कराने के बीच में। तो ठीक है, सारी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल कोरोना के दोस्तों जो अपडेट्स है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है इस समय आपके लिए। देखिए, इस समय आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट खबरें होती है ना वो कोरोना वायरस को लेकर ही है। डीएलएड के दोस्तों अपडेट्स भी जरूरी है, लेकिन हाँ, अपडेट इसलिए डीएलएड की जरूरी है कि दोस्तों आपको कम से कम हर दिन की एक अपडेट चाहिए होती है। 10 मिनट की आप अगर वीडियोस देखेंगे पर डे तो दोस्तों आपको ये तो श्योर रहेगा कि आज हमारा पेपर होगा, कल होगा, और आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहेंगे, ठीक है। हमने जैसा आपको पहले बोला, इस समय आप लोग अपनी यूपीटेट या सीटेट की तैयारियां शुरू करिए। अधिक अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।